क्या होगा अगर हमारा सूरज मर जाए? कैसा दिखेगा वो नजारा? हमारा सौर मंडल, हमारी धरती, जीव जंतु क्या जीवित रह पाएंगे? क्या हम सूरज को मरते हुए देख पाएंगे? वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि हमारा सूरज कब और कैसे मरेगा। इसके बाद सौर मंडल का क्या होगा, धरती का क्या होगा? लेकिन अच्छी बात यह है कि जब सूरज मरेगा तब इंसानों की प्रजाति उसे देखने के लिए बचेगी ही नहीं। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा था कि सूरज के मरने पर सौर मंडल एक नेबुला में बदल जाएगा, जिसमें सारे ग्रह टूट फूट कर गैस और पत्थरों के रूप में एक साथ घूम रहे होंगे या बिखर रहे होंगे। लेकिन जब बारीकी से अध्ययन किया गया तो यह इससे भी ज्यादा विशालकाय और भयानक निकला। अंतरिक्ष विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 2018 में यह थ्योरी दी थी कि सूरज के मरने पर सौर मंडल नेबुला में बदल जाएगा। सूरज की उम्र करीब 460 करोड़ साल है। लगभग इसी समय में सौर मंडल के अन्य ग्रह भी बने हैं। सभी ग्रहों और सूरज के अध्ययन के बाद यह जानकारी जुटाई गई है कि सूरज अगले 10 बिलियन साल यानी 1000 करोड़ साल और जीवित रहेगा। इसके मरने के साथ ही कई अन्य प्रक्रियाएं भी होंगी। अगले 500 करोड़ सालों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अंत के समय सूरज एक रेड जायंट से कमजोर होकर व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। सूरज का केंद्र सिकुड़कर खत्म हो जाएगा या फिर बेहद छोटा हो जाएगा, जिससे सूरज गर्मी पैदा करने की क्षमता खो देगा। लेकिन इसकी बाहरी परतें ठंडी होकर टूटकर बिखर जाएंगी और यह मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएंगी। इस प्रक्रिया में हमारी धरती भी सूरज की परतों से टकराकर बिखर जाएगी। लेकिन सूरज के कमजोर पड़ते ही धरती से जीवन खत्म होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगेगी, गुरुत्वाकर्षण खत्म होने लगेगा। ऐसे में जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। एक चीज तो तय है कि उस समय तक इंसान तो क्या उसका भूत तक धरती पर नहीं बचेगा, क्योंकि इंसानों की प्रजाति अधिकतम 100 करोड़ साल में खत्म हो जाएगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, हम अपने लिए कोई अन्य ग्रह खोजकर वहां बस जाएं। सूरज के खत्म होने की एक वजह यह है कि वह हर 100 करोड़ साल पर अपनी गर्मी और रोशनी को 10% बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वह ऊर्जा खत्म होगी और वह ठंडा होने लगेगा। सूरज की लगातार बढ़ती गर्मी और रोशनी से धरती पर जीवन खत्म होने लगेगा। हमारे समुद्र भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा। यही वो समय होगा जब धरती से इंसान समेत सारे जीव जंतु मर चुके होंगे। साल 2018 में हुई स्टडी में कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया गया था। 90% तारों के साथ यही होता है। वो पहले रेड जायंट होते हैं, जो बाद में खत्म होने पर व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट अल्बर्ट जिलसट्रा ने कहा कि जब भी कोई तारा मरता है तो वह अंतरिक्ष की एक बड़ी घटना होती है। अल्बर्ट ने बताया कि तारे के मरने पर भारी मात्रा में धूल, पत्थर और गैस निकलती है, जो तेजी से अपने आसपास के इलाके में फैलती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।